हेलो दोस्तों, इंग्लिश एप्स में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में, जैसे कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। पहली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है इंडियन मैस्टिफ। इंडियन मैस्टिफ डॉग ब्रीड का ओरिजिन इंडिया और पाकिस्तान से है, और ये डॉग ज़्यादातर पंजाब में पाए जाते हैं। और इन डॉग्स को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बुली कुत्ता, सिंध मस्तीफ और पाकिस्तानी बुली। ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, मगर कई लोग इन डॉग ब्रीड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो इन डॉग्स को डॉग फाइटिंग जैसे खूनी खेलों में यूज़ करते हैं। दूसरी डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है बकरवाल। बकरवाल डॉग एशियन डॉग ब्रीड है, और इन डॉग्स को वर्किंग और हर्डिंग डॉग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉग्स जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, और दोस्तों ये डॉग एंडेंजर्ड है। इन डॉग्स को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कश्मीरी मैस्टिफ, बकरवाल मैस्टिफ और कश्मीरी शीप डॉग। तीसरी डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है जुनानगी। जुनानगी डॉग ब्रीड ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मगर इन डॉग ब्रीड्स को अभी तक इंडिया के किसी भी कैनल क्लब ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये वन मैन डॉग होते हैं। इन डॉग्स को फिश और डक हंटिंग में भी यूज़ किया जाता है। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है राजा पल्यम। राजा पल्यम डॉग ब्रीड बहुत अच्छे हंटिंग और गार्ड डॉग होते हैं, और ये डॉग ब्रीड तमिलनाडु रीजन में पाए जाते हैं। इन्हें जंगली सुअर के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि राजा पल्यम डॉग्स का इस्तेमाल ब्रिटिश कैवलरी के खिलाफ कुछ लड़ाई में भी किया गया था। आज के समय में इन डॉग्स का इस्तेमाल कश्मीर बॉर्डर पे इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है एज अ गार्ड डॉग। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है बिस्बेन। बिस्बेन डॉग ब्रीड काफी बड़ी हर्डिंग डॉग ब्रीड होती है, और ये बहुत अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं। ये डॉग्स मैस्टिफ टाइप डॉग होते हैं, और ये थोड़े वुल्फ्स के जैसे भी दिखते हैं। ये डॉग ब्रीड इंडिया के पहाड़ी इलाकों में काफ़ी पॉपुलर है, और इन्हें काफ़ी और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बिस्बेन शीप डॉग, हिमालयन शेपर्ड और इंडियन शेपर्ड। अगली इंडियन डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है कैकड़ी। ये डॉग ब्रीड स्टेरियर ब्रीड टाइप होती है। कैकड़ी डॉग ब्रीड बहुत अच्छे वॉच डॉग भी होते हैं, और इन डॉग का इस्तेमाल रैबिट की हंटिंग में भी किया जाता है। इन डॉग्स को ओपन एरिया चाहिए होता है, और ये डॉग सिटी एरिया के लिए अच्छे नहीं होते। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है इंडियन स्पिट्स। इंडियन स्पिट्स डॉग ब्रीड साइज में छोटे होते हैं, और ये लगभग पोमेरेनियन डॉग के जैसे ही दिखते हैं। इंडियन स्पिट्स इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है, और ये एक्टिव डॉग होते हैं। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है गड्डी कुत्ता। गड्डी कुत्ता डॉग मैस्टिफ टाइप डॉग होते हैं, और ये माउंटेन डॉग्स हिमालयन रीजन जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में पाए जाते हैं। ये डॉग काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। इन डॉग्स को लेपर्ड जैसे जंगली जानवरों से कैटल की प्रोटेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये डॉग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इन्हें एज अ हर्डिंग डॉग भी यूज़ किया जाता है। ये फाइटिंग डॉग नहीं होते, और इन्हें कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इंडियन पैंथर हाउंड और महीदंत मस्तीफ। अगली डॉग ब्रीड है पंडिकोना। ये डॉग ब्रीड हंटिंग डॉग है, और ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये मीडियम साइज डॉग ब्रीड होते हैं, और ये डॉग गार्डिंग और हंटिंग में अच्छे होते हैं। इन डॉग्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये डॉग काफ़ी फेथफुल होते हैं। ये बच्चों के साथ भी अच्छे से रहते हैं। नेक्स्ट डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है कम्बाई। कम्बाई डॉग बोर हाउंड डॉग होते हैं। बोर हाउंड का मतलब है कि ये सुअर के शिकार में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डॉग्स तमिलनाडु और केरला रीजन में पाए जाते हैं। ये काफ़ी पुरानी डॉग ब्रीड है, और इन्हें सिर्फ सुअरों के शिकार में ही यूज़ नहीं किया जाता था, इन्हें बाइसन और डियर हंटिंग में भी यूज़ किया जाता था। कॉम्बाई डॉग्स के पास राजपल्यम डॉग ब्रीड से भी ज़्यादा पावरफुल जॉस होते हैं, और दोस्तों कॉम्बाई डॉग आज के समय में एंडेंजर्ड है। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है परिया डॉग। इंडियन परिया डॉग्स इंडिया की तो है ही, मगर ये दुनिया की भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉग ब्रीड है। ये डॉग ब्रीड 1500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये डॉग्स काफ़ी अच्छे सोशल और बहुत अलर्ट भी होते हैं, और ये डॉग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। इन शॉर्ट अडॉप्ट देम। इन्हें कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि देसी डॉग्स, हीरा, मोती, कालू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये डॉग्स इंडिया के हर रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है हिमालयन शीप डॉग। हिमालयन शीप डॉग को इनके लॉयल चैंपियनशिप और वर्किंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। इन डॉग्स को लाइव स्टॉक की गार्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हिमालयन शीप डॉग को एक और नाम से भी जाना जाता है, इन्हें भोतिया डॉग या भूतिया डॉग भी कहते हैं। ये डॉग्स दिखने में ऑलमोस्ट तिब्बतन मैस्टिफ के जैसे होते हैं। ये डॉग काफ़ी मजबूत और पावरफुल होते हैं, इसलिए इन्हें हर्डिंग में भी यूज़ किया जाता है। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है मुधोल हाउंड। मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड्स को हंटिंग और गार्डिंग में यूज़ किया जाता है, और ये डॉग ब्रीड कर्नाटका में पाई जाती है। इन डॉग ब्रीड्स को KCI यानी कैनल क्लब ऑफ इंडिया और INKC यानी इंडियन नेशनल कैनल क्लब द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है।
बट किसी और ब्रीड के नाम से, जैसे कि केसीआई में इन्हें कैरावैन हाउंड के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है और वहीं आईएनकेसी में इन्हें मुढ़ौल हाउंड नाम से रिकॉग्निशन मिली है। इन डॉग्स को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मराठा हाउंड, पश्चिमी हाउंड और करवानी। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कन्नी। कन्नी डॉग्स तमिलनाडु में पाए जाते हैं और इन डॉग्स का इस्तेमाल हंटिंग में किया जाता है। ये डॉग्स काफ़ी रेयर है और ये डॉग बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं अपने मालिक के लिए। कन्नी डॉग्स को मेनली डियर हंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बड़े फुर्तीले होते हैं और ये वेट में भी हल्के होते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है रामपुर ग्रेहाउंड। रामपुर ग्रेहाउंड इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड है और ये इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में पाई जाती है। ये डॉग्स महाराजाओं को बहुत अच्छे लगते थे। वो इन डॉग्स का यूज़ लायन, टाइगर, लेपर्ड्स और पैंथर के शिकार में किया करते थे। रामपुर ग्रेहाउंड इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉग ब्रीड है और ये मस्कुलर डॉग होते हैं और इनके जॉस भी मजबूत होते हैं। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है छिपी पराई। छिपी पराई डॉग ब्रीड इंडिया के साउथ रीजन में पाई जाती है और इन डॉग्स को मेनली वाइल्ड बोर, डियर और खरगोश की हंटिंग में यूज किया जाता है। इन डॉग्स को ऐसा गार्ड डॉग भी रखा जाता है। इन डॉग्स को तमिलनाडु के विरुद्धनगर में ब्रेड किया गया रॉयल फैमिलीज के लिए और इन डॉग्स को रॉयलिटी और डिग्निटी का सिंबल भी माना जाता है। अगली डॉग ब्रीड है कुमाऊन मस्तीफ। कुमाऊन मस्तीफ उत्तराखंड के कुमाऊन रीजन में पाई जाती है और ये डॉग आज की डेट में बहुत रेयर है। कुमाऊन मस्तीफ लार्ज डॉग ब्रीड होती है। ये वर्किंग डॉग है और इन्हें एज अ वॉच डॉग और गार्डिंग डॉग रखा जाता है। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है मराठा ग्रेहाउंड। ये डॉग ब्रीड भी काफी रेयर है और ये महाराष्ट्र रीजन में पाए जाते हैं। ये डॉग्स साइज में छोटे होते हैं रामपुर ग्रेहाउंड्स के मुकाबले। इन डॉग्स को हंटिंग में भी यूज किया जाता है। अगली डॉग ब्रीड जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है वंजारी हाउंड। वंजारी हाउंड डॉग ग्रेहाउंड टाइप डॉग होते हैं और ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इन डॉग्स को हंटिंग, गार्डिंग और हर्डिंग जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इस लिस्ट की लास्ट डॉग ब्रीड है इंडियन वाइल्ड डॉग या डॉल। डॉल एक वाइल्ड डॉग है जो कि इंडिया, चाइना, मलेशिया में पाए जाते हैं। ये एंडेंजर्ड है और ये वाइल्ड डॉग्स आज के समय में 3000 से भी कम बचे हैं। ये डॉग्स दिखने में फॉक्स यानी लोमड़ी की जैसे होते हैं और ये उन्हीं की तरह स्मार्ट भी होते हैं। ये कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि इनमें से काफ़ी सारे इंडियन डॉग ब्रीड्स एंडेंजर्ड है और इनके बारे में सूटेबल इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली हमने उसी को कंपाइल करके ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।